Hello friends, welcome back. Today's video is all about Chilapatha forest. ये जो रूट है इसका मेनली दो इंपॉर्टेंस है. यहाँ से जो भूटान है, भूटान का बॉर्डर, ये नियर अबाउट 60-70 किलोमीटर के बीच है. जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए ये रोड सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है कनेक्टिविटी के लिए. और एक दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू है कि यहाँ का टूरिज्म, आपको पता ही है कि जलदापाड़ा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए. एंड चिलापाता जो रेंज है ये जलदापाड़ा नेशनल पार्क का ही एक इंटीग्रल पार्ट है. जलदापाड़ा नेशनल पार्क इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि इसको छोटे छोटे ऐसे रेंज में डिवाइड किया गया है और हर एक रेंज का कोई ना कोई खासियत है. तो चिलापाता रेंज का भी वैसे ही बहुत कुछ खासियत है. चिलापाता का जो सबसे क्या बोलते हैं इसको, एक हिस्टोरिकल चीज़ है, नौल राजा गॉड. नौल राजा का जो गॉड है वो इधर से जाते हैं. आप लोगों ने शायद सुना होगा या अगर किसी को नहीं पता है, नौल राजा का गॉड बोल के यहाँ पे एक ओल्ड डायनेस्टी टाइप है जो अभी लगभग मिट्टी के अंदर दब चुका है. उसका थोड़ा ही कुछ पार्ट अभी मिट्टी के ऊपर बचा हुआ है. और वहाँ पे कुछ तो पेड़ है, दो पेड़ है अलग अलग, तो जिसमें से एक से बोला जाता है ऐसा कि उसमें से खून निकलता है और एक पेड़ से दूध निकलता है. अभी ये कितना सच है कितना र्यूमर है इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ. यहाँ से ये रोड कनेक्ट करता है कोचबिहार अलीपुरद्वार को सीधा जयगांव से, जयगांव जो भूटान का बॉर्डर है, और फुलसिलिंग जो गेटवे ऑफ भूटान है. अभी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है हाशिमाड़ा बीएसएफ कैंप, एयरफोर्स का बेस कैंप वहीं पे है. और उसी एयरफोर्स कैंप में फ़िलहाल ही कुछ ही दिन पहले राफेल को लाया गया है. हमारा जो नेटिव कंट्री है चाइना कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. और हम लोग का जो ये चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक के पास जो डोकलाम वैली है, डोकलाम को लेकर कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा झंझट हो चुका है, आप लोगों को पता ही है. और भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है वो ऑलवेज इंडिया के सपोर्ट में ही रहा है. उस हिसाब से देखा जाए तो इस रूट का बहुत ही ज़्यादा क्या वैल्यू बोले वो है. ये अभी यहाँ पे बोर्ड्स लगाया हुआ है यहाँ पे, इस रोड पे आप कांस्टेंट चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकना, फोटोग्राफी करना या आपका ड्रोन उड़ाना वो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है. चलो पता है इस रेंज में गेंडा उतना नहीं दिखता है. इंडियन जो गौड है, इंडियन गौड और आपका हाथी कभी कभार लिपर्ड भी दिख जाता है. डोंट ट्राई टू हॉल्ट और स्टे और डोंट टेक अ पी ब्रेक हियर, ओके. तो कभी अगर मौका मिला, अगर नौल राजा के गौड़ जाने का तो वो भी शूट करूँगा मैं. और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है वो जो सीधा रोड इधर को एक जाता है, इसको बोलते हैं सीसी लैंड पीट ऑफिस, जहाँ पे मैं एक बार गया था. एक दोस्त था यहाँ पे जो जॉब करता था, तो उसने मुझे लेके गया था. तो वो एक वहाँ पे एक रिमोट पीट ऑफिस है, मतलब फॉरेस्ट क्वार्टर. ये जो सीसी लैंड जो है वो एक्चुअली चिलापाता और जलदापाड़ा जो रेंज है, ये दोनों रेंज का जो डिवीजन मार्क है, इन द सेंस कि आप उसको बॉर्डर बोल सकते, तो वो बॉर्डर एरिया है उसका. सीसी लैंड में खड़े होकर आप जलदापाड़ा नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा का आप जितना दूर तक देख पाएंगे वो जलदापाड़ा नेशनल पार्क का पार्ट है. चिलापाता बहुत ही फेमस है इसका नेचुरल ब्यूटी के लिए. चारों तरफ खूबसूरत रोड है और यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट देखने को मिल जाएगा. अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे रुकने के लिए तो यहाँ पे एक से एक बढ़िया ऑप्शन है रहने के लिए. तो कभी अगर मौका हुआ तो मैं आप लोगों को उनमें से एक आध रिसॉर्ट का भी रिव्यू करके दिखा दूँगा. अभी हम लोग चिलापाता रेंज के बाहर आ चुके हैं. अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं कोदल बस्ती रेंज में.
सो यहाँ से शुरू होता है कोदलबोस्ती रेंज, और ये जो साइड है इधर पे आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत रिसोर्ट्स बन रहा है अभी। तो ये जो एरिया है ये कोदलबोस्ती चेक पोस्ट है, और ये कोदलबोस्ती बीड ऑफिस। और इधर से भी बस्ती के अंदर से हम लोग जाएंगे कोदलबोस्ती रेंज में। तो अभी हम फिर से आ गए जंगल के अंदर, ये कोदलबोस्ती रेंज के अंदर आता है क्योंकि हमें कोदलबोस्ती रेंज ही जाना है, तो हम इधर से जाएंगे। एक्चुअली कोदलबोस्ती रेंज ऑफिस में मेरा थोड़ा काम है, मतलब रेंज ऑफिसर ने मुझे बुलाया है, उनके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा मीटिंग है, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो बस चिलापत्ता टूर का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगा बहुत ही जल्दी कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।